प्रणाम। हाय खुशामुद्दीन, मैं तो इधर आप सबके भी। वेलकम टू सत्या भाई चैनल। कैसे हैं आप? आज हम रिव्यू करने वाले हैं पिक्चर बाला के बारे में। बाला इस पिक्चर में हमारे आयुष्मान खुराना दिखाई देते हैं हीरो के तौर में, और हीरोइन जो है रुक्मणी गौतम, और हीरो के और सपोर्टिंग एक्टर्स है भूमि पादनेकर जो सपोर्टिंग एक्टर्स के तौर में इसमें दिखाई जाती है। ट्रेलर में आपको शुरुआत में देखने को मिलता है कि हीरो जो है टोपी पहने और कोट पहने रहते हैं, ब्लेजर पहने रहते हैं, टाई पहने रहते हैं। एक क्लासरूम की तरह होता है जिसमें जो काली लड़कियां होती है, जो लड़कियां काली होती है, उनको अपने मेकअप के साधन साधन के बारे में, मेकअप के प्रोडक्ट के बारे में उनके पास पब्लिसिटी करते हैं, ये कहते हुए कि लड़के लोग शादी करना चाहते हैं गोरी लड़की से शादी करना चाहते हैं बल्कि काली लड़की नहीं। इसके लिए आप इस तरह का मेकअप कॉस्मेटिक्स आप इस्तेमाल करेंगे तो आप गोरी हो जाएंगे, ऐसा ये कहना चाहते हैं। तब उसी वक्त जो भूमि पाडनेकर जो है उठ के बाहर आती है और इन्हें कहती है आप ऐसा तो ठीक है पर आपने टोपी क्यों पहन रखी है? तो वो कहते हैं कि मुझे टोपी पहनने में मेरे को कोई नहीं, बाकी सबको कोई दिक्कत नहीं, आपको क्यों दिक्कत होती है, इस तरह कहते हैं। फिर वहां अपनी टोपी निकालने को कहते हैं, फिर वो निकालते नहीं है तो उनकी टोपी उड़ा देते हैं। तब से जैसे इस ट्रेलर में थोड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, जैसे हीरो के सर में बाल नहीं होता है बल्कि छोटी सी उम्र में उनका बाल झड़ जाता है, और उनका ये प्रॉब्लम होता है कि उनको लड़की मिलना मुश्किल हो जाता है और काफी मशक्कत करनी पड़ती है। फिर उन्हें काफी कोशिश करते हैं, और उनके जो उनके सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं मिस्टर जावेद जाफरी, जो कॉमेडी काफी अच्छे कॉमेडी कर लेते हैं पिक्चर में और काफी अच्छे जाने जाते हैं उनकी एक्टिंग में, जावेद जाफरी जी उनके साथ ही होते हैं, उनके एक दोस्त की तरह होते हैं। और उनके पिताजी के रोल किए हैं आशुतोष, आशुतोष काफी अच्छा एक्टिंग किए हैं जो उनके पिताजी के रोल में। फिर वाकई पिक्चर का ट्रेलर काफी अच्छा है, और इसमें वो काफी कोशिश करते हैं उनके बालों में वीक लगाने के लिए, तरह तरह की कोशिश करते हैं, तरह तरह के गोबर से लेकर और काफी अच्छा मेडिसिन की ट्राई करते हैं, आयुर्वेदिक ट्राई करते हैं तो भी उनसे कुछ होता नहीं है। फिर उन्हें एक बार मोबाइल में उनके टिकटॉक का वीडियो मिल जाता है हीरोइन का, जो है हमारे गौतम कामिनी, जो है गौतम कामिनी गौतम जो है पीछे में जो हीरोइन के रोल कर रहे हैं, उनका वीडियो मिल जाता है और उसे उन पर फिदा हो जाते हैं। फिर आखिर में उनसे मिल भी जाते हैं और दोनों के बीच प्यार हो जाता है। तब तक के लिए इनके पिताजी जो है इनके लिए एक नकली विग बना देते हैं ताकि उनके उनको दिखने में स्मार्ट लगे और उनको लड़की मिल जाए और उनका लाइफ सेट हो जाए, उनकी शादी हो जाए। और वाकई ऐसा होता भी है, दोनों के बीच प्यार होता है, फिर दोनों की शादी हो भी जाती है। फिर आखिरी तक ये बताना नहीं चाहते कि अपने बीवी को कि उनकी बाल जो है असली नहीं है बल्कि नकली बाल है, ये बताना चाहते हैं। फिर आखिरी में ये दिखाया जाता है कि हीरो जो डॉक्टर के पास जाते हैं और उनके सामने बाल उगाने के लिए उनकी काफी मशक्कत करते हैं, उनके नकली बाल लगाने की बात की जाती है। तो फिर उन्हें कहते हैं कि पूरे सर में आपके सर में बाल नहीं है, शरीर में बाल नहीं है, इससे थोड़ा वल्गर की तरह बोला जाता है कि इस तरह कह के चले जाते हैं कि मेरे को अपने सर में वहां की बाल लगानी पड़ेगी, इस तरह ये कहना चाहता है डॉक्टर, ऐसा कह के चले जाते हैं। दरअसल इस पिक्चर में एक दो जगह थोड़ा वल्गर बोलने की कोशिश की गई है, वल्गर ही बोलने की कोशिश की गई है, पर कॉमेडी के हिसाब से ठीक है, पिक्चर देख सकते हैं, कॉमेडी का ट्रेलर में बताया गया है। देखते हैं इसमें सपोर्टिंग एक्टर भूमि पाडनेकर का क्या रोल है, तो पिक्चर जब रिलीज होगा तब पता चलेगा और बॉक्स ऑफिस में कितना कमा पाएगा, कितना जमा पाएगा, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ फैमिली मेंबर्स, बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।